गाजीपुर की दिनभर की 5 सबसे बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। डाला छठ पर्व को लेकर व्रत रखने वाली महिलाओं के साथ ही उनके परिवार में काफी उत्साह दिख रहा है। उत्साह के बीच प्रशासन द्वारा घरों पर ही छठ मनाने का अनाउंसमेंट कराया जाना उनमें निराशा भी पैदा कर रहा है। कोविड-19 का पालन करते हुए कौन श्रद्धालु घर पर और कौन गंगा घाटों पर पर्व मनाएगा, इसका पता तो पर्व के दिन ही चल सकेगा, लेकिन शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के गंगा घाटों पर डाला छठ की तैयारी होती रही। घाटों पर रोशनी की व्यवस्था के साथ ही लोगों के आने जाने के लिए समाज सेवियों और विभिन्न संगठनों द्वारा साफ सफाई के साथ रास्ता बनाने का कार्य चलता रहा। गुरुवार को नगर के सिकंदरपुर घाट पर कुछ युवकों द्वारा साफ सफाई के साथ ही श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए बल्ली लगाकर 2 पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है। इस कार्य में गर्वजीत सिंह, हर्षजीत सिंह, विश्वजीत सिंह, योगेश शुक्ल, पुष्कर सिंह, अनिल राय, पवन सिंह, ओमू, ज्ञानू, शिवम त्रिपाठी आदि लगे रहे। उधर नगर के चीतनाथ गंगा घाट पर अनिल विश्वकर्मा अन्य युवकों के साथ घाट की धुलाई में जुटे रहे। उन्होंने बताया कि घाट पर भारी मात्रा में मिट्टी जमी थी। छठ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को इससे दिक्कत ना हो, इसलिए पूरे घाट को पानी से धुलने का कार्य किया जा रहा है। पर्व से एक दिन पूर्व गुरुवार को भी नगर के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालु पूजा के लिए वेदी बनाते हुए दिखाई दिए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए रोडवेज परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने इंदिरा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला। जिला अध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि इंदिरा जी सदैव दृढ़ संकल्प एवं साहसिक नेतृत्व के लिए याद की जाती हैं। अपने लंबे प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने देश के चौमुखी विकास के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। इस मौके पर पूर्व प्रदेश सचिव रविकांत राय, डॉक्टर मार्कंडेय सिंह, पीसीसी सदस्य पंकज दुबे, डॉक्टर जनक कुशवाहा, राजीव कुमार सिंह, आनंद राय, प्रवक्ता अजय कुमार तो आदि उपस्थित रहे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में गुरुवार को लाल दरवाजा स्थित पावर हाउस में बैठक हुई। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के निजीकरण के नीति के विरोध में देश के 15 लाख बिजली कर्मियों के साथ उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मी 26 नवंबर को विरोध प्रदर्शन करने को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर संघर्ष समिति के जिला संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी के बीच केंद्र और कुछ राज्य सरकारें बिजली वितरण का निजीकरण करने पर तुली हैं, जिससे देश भर के बिजली कर्मियों में गुस्सा है। इसका 26 नवंबर को देश भर में बिजली कर्मी विरोध सभा एवं प्रदर्शन कर विरोध करेंगे। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता विजय राज सिंह, इंजीनियर महेंद्र मिश्रा, आदित्य पांडे, मनीष कुमार, आशीष चौहान, शिवम राय, अमित कुमार आदि उपस्थित रहे। सैदपुर कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। उसने मुखबिर की सूचना पर बौरवा नहर पुलिया के पास से 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लाइन में गुरुवार को आयोजित प्रेसवार्ता में अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि गिरफ्त में आए लुटेरे सैदपुर क्षेत्र के नरानपुर ककरही निवासी सोनू यादव, यहीं के राहुल यादव और विष्णुपुर मड़ई निवासी शैलेश यादव उर्फ भोलू हैं। इनके पास से 32 बोर का एक रिवॉल्वर, 2 कारतूस के साथ ही लूट का लैपटॉप, मोबाइल, पिट्ठू बैग, लैपटॉप चार्जर, 82,700 रुपए एवं 2 बाइक बरामद किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र भूषण मौर्य, उप निरीक्षक विश्वनाथ यादव, नागेश्वर प्रसाद तिवारी, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार सिंह, कांस्टेबल राकेश कुमार सरोज, कांस्टेबल सुमित कुमार, कांस्टेबल रमाशंकर यादव, कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार और कांस्टेबल रमाशंकर शामिल रहे। छठ पूजा के मद्देनजर जखनिया उप जिलाधिकारी सूरज यादव एवं क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा सुरेश शर्मा ने शादियाबाद एवं दुल्लहपुर क्षेत्र के अंतर्गत यूसुफपुर, खड़बा नदी घाट, मोहब्बतपुर घाट, सिखड़ी घाट, शादियाबाद घाट सहित अन्य घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा, साफ सफाई के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को देखते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान शादियाबाद प्रभारी निरीक्षक शिव प्रताप वर्मा, हंसराजपुर चौकी उप निरीक्षक प्रशांत चौधरी आदि मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।